नमस्कार हमारा और मैं पहुँचा हूँ कौली विधानसभा के गांव नावला में। जैसा कि उपचुनाव का दौर शुरू हो गया है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के विधायक श्री अनिल कुमार जी, जो तीन बार के विधायक हैं। मैं विधायक से प्रश्न करना चाहता हूँ कि सर लोकदल राष्ट्रीय लोकदल किसानों और मजदूरों की पार्टी है, और किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, उसको वोट वही करना चाहिए जो उसकी बात करते हैं। आज के राजनीतिक परिवेश में आप देख सकते हैं, एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ गठबंधन के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी तो संविधान को ख़त्म करने की बात करती है, समीक्षा करने की बात करते हैं उनके लोग। दूसरी तरफ जो बाबा साहब का दिया है रिजर्वेशन है हम लोगों को, जिसके माध्यम से दलित और पिछड़ों को एक सम्मान की जिंदगी जीने का मौका इस देश में मिला है, उसे लगातार स्लो पॉइंट देकर खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम लोग उसको बचाने में लगे हुए हैं। आज बीजेपी की सरकार है, सेंटर में उतर रही है। तमाम सभी विभागों में जहां हमें आरक्षण मिलते हैं, जिस आरक्षण के माध्यम से हमारे बड़ों को छोटों को नौकरियां मिलने का काम हुआ, उन सब विभागों को जो पब्लिक सेक्टर है हमारे, उन पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट कर दिया। एक तरफ ये लोग हैं, दूसरी तरफ गठबंधन के लोग हैं जो बाबा साहब का सम्मान कर रहे हैं, बाबा साहब का जो अधिकार है उसको लागू करवाने की बात कर रहे हैं, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। जब संविधान बचेगा तो किसानों की, मजदूरों की, नौजवान की बात ऑटोमेटिक होगी। लोकदल आज उस बात को लेकर आगे चल रहा है, तो निश्चित रूप से लोकदल जो है प्रत्याशी उन्हीं को, तमाम दलित तमाम सभी गरीब हैं उसे उनको वोट करने का। सर महंगाई की बात करते हैं, महंगाई जो अभी 5% GST बढ़ाई है, किताबों पे सब चीज़ों बढ़ाई है, पहले 70% थी, 5% और बढ़ा दी गई। महंगाई क्या घटेगी या बढ़ेगी? महंगाई तो बढ़ी रही है इस सरकार में। आप देख लो 2014 से सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश 2014 में, उसके बाद राज्यों में। आप गैस सिलेंडर को ले लो, जब से देश आजाद हुआ तब तक तो सिलेंडर की कीमत ही 400 रुपये कुछ, और आज 1000 रुपये कुछ है, तो महंगाई कहाँ बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल 2013 में 60 रुपये और 70 रुपये था,